और दोस्तों अभी अभी इस वक्त की सीमा हैदर मामले से जुड़ी पांच सबसे बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। देखिए आप, सीमा हैदर के घर के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया, वापसी से पाकिस्तान भेजो के नारे भी लगाए। उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजी प्रशांत कुमार बोले कि चेहरे पर नहीं लिखा होता किसी के कि वो पाकिस्तानी है। ये देख सकते हैं दोस्तों कुछ तस्वीरें, लोगों ने ना सिर्फ सीमा हैदर का विरोध प्रदर्शन किया बल्कि हाथों में पोस्टर लेकर भी आए जिन पर लिखा है कि पाकिस्तान के अब्बू की जागीर नहीं है हिंदुस्तान। कुछ लोगों ने नहीं बल्कि खबर के मुताबिक दोस्तों सीमा हैदर के घर के बाहर बवाल बढ़ता जा रहा है। मतलब कि नोएडा में सचिन के घर हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया और सीमा हैदर का विरोध करना शुरू कर दिया है। महिलाओं के हाथों में सीमा को वापस पाकिस्तान भेजो की तख्तियां भी दिखाई दी। प्रदर्शनकारी सीमा को पाकिस्तान भेजने की मांग कर नारेबाजी करते दिखे। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में सचिन के घर के बाहर हिंदू संगठन और महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। इससे पहले एक हिंदूवादी संगठन ने सीमा को 72 घंटे के अंदर पाकिस्तान भेजने की धमकी भी दी थी भारत सरकार को। और गोरखसा हिंदू दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा था सरकार से कि अगर सीमा को वापस पाकिस्तान नहीं भेजा गया तो फिर आंदोलन शुरू हो जाएगा और हो सकता है कि इसी वजह से हमें ये आंदोलन जैसा माहौल देखने को मिल रहा हो। खैर, अगली बड़ी खबर आ रही कि फिर से अरेस्ट हो सकती है सीमा हैदर। आईबी के रेड फ्लैग के बाद अब एटीएस भी एक्टिव हो गई। पाकिस्तानी सिम तोड़ा सीमा हैदर ने और मोबाइल का डेटा डिलीट किया। ये दो सबसे बड़ी वजह है कि आखिर सीमा ने ऐसा क्यों किया। अब इस पर आईबी और एटीएस अलग अलग तरीके से जांच कर रही है, मोबाइल का डेटा भी रिकवर कराया जा रहा। और इसी बीच देखिए सीमा को लेकर एक और खुलासा सामने आया। सीमा हैदर के पास 8 मई का फोन बिल उसी दिन का मिला जिस दिन सीमा का पासपोर्ट बना था। यूपी एटीएस की पूछताछ में और भी कई सनसनीखेज खुलासे हुए। एटीएस की लगातार दूसरे दिन भी सीमा हैदर से पूछताछ की गई और सीमा ने कई राज उगले। पाकिस्तानी महिला सीमा, उसकी एक बेटी और उसके एक बेटे और सचिन के पिता नेत्रपाल को एटीएस दोबारा पूछताछ के लिए ले गई। एटीएस ने बीती रात पूछताछ के बाद सचिन के पिता नेत्रपाल और सीमा को तो घर भेज दिया लेकिन सचिन को अपने पास ही रोक लिया था। सचिन अभी भी एटीएस की हिरासत में है। अब दोबारा सीमा व नेत्रपाल को एटीएस द्वारा ले जाने के बाद फिर से पूछताछ शुरू की गई। अभी सचिन के घर पर कोई नहीं है। ये सचिन के घर की तस्वीर जो आप देख पा रहे होंगे, बाहर से दरवाजा लगा है क्योंकि लोग बाग विरोध कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। और खबर है दोस्तों कि एटीएस ने सीक्रेट लोकेशन पर सीमा हैदर को ले जाकर पूछताछ की और पूछताछ के बाद मीडिया के लोगों ने यूपी पुलिस के एडीजी से कुछ सवाल जवाब भी किए प्रशांत कुमार से। उनसे पूछा गया कि क्या सीमा हैदर वापस पाकिस्तान जाएगी या नहीं, तो यूपी पुलिस ने बड़ा जवाब दिया और कहा कि सीमा हैदर को लेकर अभी तक जांच चल रही है, कुछ अहम बातें सामने आ रही हैं। और इन सब के बीच दोस्तों एक बड़ी हैरान करने वाली बात तो पता है क्या, वो ये कि अगर सीमा हैदर कोई जासूस निकलती है तब तो उसे वापस पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा, लेकिन अगर सीमा हैदर कोई जासूस नहीं है फिर उसे पाकिस्तान भेजा जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये उल्टा न्याय किस लिए, तो आपको बता दूं कानून की वजह से इस तरह का न्याय करना पड़ेगा क्योंकि सीमा हैदर अगर कोई जासूस होती है तो कानून के मुताबिक सीमा हैदर के 4 बच्चों को वापस पाकिस्तान रिपोर्ट किया जाएगा लेकिन सीमा और सचिन दोनों को भारत की जेल में ही अपनी जिंदगी बितानी होगी क्योंकि जासूसी करने के आरोप में सीमा हैदर को कोर्ट की तरफ से न्यायालय की ओर से जेल की सजा सुनाई जाएगी और अदरवाइज अगर वो जासूस नहीं होती है तो भारत में सीमा हैदर अवैध तरीके से आई थी, इसीलिए सीमा हैदर को एक बार तो पाकिस्तान वापस भेजना पड़ेगा और वहां से सारी फॉर्मेलिटीज लीगल तरीके से कंप्लीट होने के बाद ही सीमा हैदर भारत में रह सकेगी। हालांकि अगर वो फॉर्मेलिटीज सीमा हैदर के भारत रहते हुए ही कर दी जाती है तब तो हो सकता है कि सीमा हैदर भारत ही रुक जाए, अदरवाइज सीमा हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को एक और सबसे बड़ा डर इस बात का कि कहीं सीमा हैदर मातहरी तो नहीं, क्या गुनाह पर टिकी है प्यार की इनसाइड स्टोरी, अब पाकिस्तान से आएगा सबूत। विदेश मंत्रालय भी सक्रिय हो गया और पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास यानी कि इंडियन एम्बेसी से भी इस मामले को लेकर जानकारी मांगी गई है। यहाँ पर इस खबर में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे दोस्तों कि यार मातहरी नहीं, ये इसका क्या मतलब हुआ, तो आपको बता दूं मातहरी नाम जो है ना ये जासूस की दुनिया में एक बहुत फेमस नाम है। मातहरी नाम की एक महिला प्रसिद्ध जासूस थी, कब, वो भी प्रथम विश्व युद्ध के समय। उसका वास्तविक नाम मार्गरेट था लेकिन उसे मातहरी भी कहा जाता था क्योंकि फ्रांस की जासूसी करती थी ये और इसकी खास बात ये थी कि ये कामोत्तेजक नृत्यांगना भी थी यानी नाच गान करती थी। एक महिला जासूस मातहरी जिसने पूरे यूरोप को नचा दिया था। 41 साल की थी जब ये तब इसकी प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनों की तरफ से फ्रांस की जासूसी करने के आरोप में गोली मार दी गई। तो कुल मिलाकर के एटीएस और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी इसी बात का डर है कि कहीं प्यार के पीछे ये मातहरी जैसा नाटक तो नहीं। अब गृह मंत्रालय, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के द्वारा भी, जो मतलब भारत की एम्बेसी है इंडियन एम्बेसी, उसके द्वारा भी सीमा हैदर की जांच पड़ताल कुंडली निकलवा रही है। अब पाकिस्तान से आएंगे सबूत और सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर का आज लाई डिटेक्टर या पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो सकता है, ऐसी भी काफी मीडिया में चर्चा चल रही है। आपकी क्या राय दोस्तों इस मुद्दे को लेकर, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।